गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज योर साइंस क्लास एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 10, लाइट साउंड एंड फोर्स. आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हम लाइट साउंड और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. लाइट क्या होती है और क्या सोर्सेज होते हैं लाइट के, साउंड्स क्या होती है, प्लीजेंट अनप्लीजेंट साउंड्स क्या होती हैं, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एग्जांपल ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, वो हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले आता है लाइट. क्या है लाइट, व्हाट इज लाइट. गो टू इन अ रूम, क्लोज ऑल डोर एंड विंडो, स्विच ऑफ द लाइट बल्ब्स, कैन यू सी एनीथिंग. एक अंधेरे रूम में जाइए और क्या आप वहां पे कुछ देख सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि वहां पे डार्क है, कोई भी लाइट वहां पे नहीं है. अगर आप लाइट स्विच ऑन करेंगे तब हम देख सकते हैं. तो क्या मतलब निकला या क्या इसकी डेफिनेशन निकली कि वी नीड लाइट या लाइट हेल्प अस टू सी. लाइट क्या है? लाइट वो सोर्स है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है. लाइट इज द सोर्स या लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है. अब आते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट. सोर्सेज ऑफ लाइट्स क्या होते हैं, मतलब सोर्सेज क्या है. एक तरह से सोर्स आप किसे कहेंगे कि लाइट आपको कहाँ से मिल रही है, वो क्या कहलाता है, सोर्सेज ऑफ लाइट्स. कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं. जैसे कि नेचुरल जो हमारी नेचर में पहले से हैं, सन, स्टार, ग्लोवर्म, जो हमें लाइट दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या है और नेचर में पहले से ही प्रेजेंट हैं, दे आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. फिर आते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज, जो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं, वो क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च, लैम्प, ये सब क्या हैं, आर्टिफिशियल सोर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं. और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन से होते हैं, जो पहले से ही नेचर में प्रेजेंट हैं. सोर्सेज आर ऑफ लाइट ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है. किसे? अ टेबल और अ बुक डज नॉट गिव्स अवर आउट लाइट. कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लाइट नहीं देते हैं ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाते हैं, नॉन ल्यूमिनस. और ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. आप एक बार फिर से समझिए हमने क्या चीजें पढ़ी. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कौन सी होती हैं, ऐसी चीजें जो नेचर में पहले से प्रेजेंट हैं और हमें लाइट दे रही हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज. और ऐसी लाइट्स जो ह्यूमन मेड ने बनाई हैं या ऐसे सोर्सेज जो ह्यूमन मेड ने बनाए हैं, वो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाते हैं. और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनसे हमें लाइट मिलती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब भी आ सकता है उसमें, सन, स्टार, सब आ सकता है, ठीक है. और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनसे हमें लाइट नहीं मिलती है, जैसे कि बुक, पेन, इन सबसे हमें थोड़ा ना लाइट मिलती है, ठीक है. ये देखो आर्टिफिशियल ऑफ सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं बल्ब, टॉर्च, कैंडल, CFL, लालटेन्स, ठीक है. अब आता है शेडो. एक प्रॉपर्टी और देखिए लाइट की, कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कभी भी आप इस तरह से लाइट को ट्रेवल करते नहीं देखेंगे, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा शेडो. शेडो क्या होती है या शेडो कब बनती है. लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने बताया आपको लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मेकिंग थिन बीम्स ऑफ रे, उसकी बहुत पतली पतली रेज होती हैं, किरणें होती हैं. व्हेन दीज रेज ऑफ लाइट आर ब्लॉक बाय एनी ऑब्जेक्ट, अ शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. जब भी लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई ऑब्स्टकल आ जाता है, तब शेडो बनती है. जैसे कि अगर सन है, और ये देखिए आप डायग्राम से समझिए, सन है अर्थ पे, अगर उसकी लाइट पड़ रही है और इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट आ गया तो इसकी शेडो वहां पर बन जाएगी. तो शेडो कैसे बनती है, जब लाइट ऑब्जेक्ट की सन रेज ब्लॉक कर दी जाती हैं किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टकल के जरिए, तब शेडो बनती है, ठीक है. स्टैंड इन द सन वंस इन अ मॉर्निंग, और शेडो की फॉर्म्स जो होती हैं वो अलग अलग भी होती हैं, जैसे मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और इवनिंग में. ऑब्जर्व योर शेडो, अगर हम यहाँ पे अपनी शेडो ऑब्जर्व करें तो शेडो आर लॉन्गर इन मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग और इवनिंग में तो लॉन्ग होती हैं और स्मॉल इन आफ्टरनून, और इस आफ्टरनून में, दोपहर में क्या होती हैं, वो स्मॉल होती हैं. डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, दूरी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा दूर है या ज़्यादा पास है, उसके अकॉर्डिंग शेडो की जो फॉर्म है वो निर्भर करती है. फिर आती है प्रॉपर्टीज ऑफ शेडो. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं शेडो की. शेप ऑफ द शेडो इज सिमिलर टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेडो की
जो शेप होती है और जो ऑब्जेक्ट की शेप होती है वो सेम होती है। शेडो ऑलवेज ब्लैक होती है, हमेशा ब्लैक होगी। जो ऑब्जेक्ट का कलर आपका कैसा भी हो, लेकिन जो हमारी शेडो है वो हमेशा ब्लैक होती है। द साइज ऑफ द शेडो कैन बी स्मॉल और बिग, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। जो शेडो है उसका साइज स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी होता है, हो सकता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से, और ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। और शेडो हमेशा अपोजिट साइड पर बनती है, ठीक है। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। कभी कभी कुछ लाइट सोर्सेज ऐसी होती हैं दैट अलाउ लाइट रेसिस टू पास थ्रू देम, दीज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लाइट को कम्प्लीटली पास करने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनसे लाइट कम्प्लीटली पास हो जाती है। इस पर देखिए, जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और इससे लाइट कम्प्लीटली पास हो रही है, ठीक है। ग्लास है, कोई भी कांच जिसे आप समझ सकते हैं, जब कम्प्लीटली लाइट पास हो जाती है दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट कम्प्लीटली पास हो रही है दीज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जिनसे कुछ लाइट पास हो पाती है, सारी लाइट जो है वो पास नहीं हो पाई, दीज आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो पा रही है, दीज आर कॉल्ड ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपने क्या समझा, तीन कैटेगरीज में हमने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑब्क्यू, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट कौन से हैं, जिनसे सारी लाइट पास हो रही है, ट्रांसल्यूसेंट जिनसे कुछ लाइट पास हो रही है, और ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट जिनसे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सारी लाइट पास हो जाती है, ये ट्रांसल्यूसेंट से कुछ लाइट ही पास हो पा रही है, और ये ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आता है साउंड। वी हियर साउंड ऑल अराउंड अस, वी हियर पीपल टॉकिंग, बर्ड चिपरिंग, कार हॉकिंग एंड डोर बेल रिंकिंग, इन सबकी साउंड हम अपने आसपास सुनते हैं। वी प्रोड्यूस साउंड वैन वी टॉक, लाफ, क्लैप, रन, लीव्स टू मेक रस्टलिंग साउंड वैन विंड्स ब्लो। ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, चलते हैं हम, हंस रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और पत्तियाँ आपस में मिलती हैं, रस्टलिंग करती हैं, तब भी साउंड प्रोड्यूस होती है। टू टाइप्स होते हैं साउंड के, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। प्लीजेंट साउंड कौन सी होती है, जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, हमें इरिटेट नहीं करती है, साउंड विच मेक अस हैप्पी एंड डू नॉट इरिटेट अस, दीज साउंड इज कॉल्ड प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड जैसे कि बर्ड चिपरिंग है, कोई किसी की सिंगिंग है, ठीक है, बर्ड्स की साउंड है, ये सब क्या है, प्लीजेंट साउंड है, जो हमें अच्छी लगती हैं। कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो हमें इरिटेट करती हैं, जैसे कि व्हीकल्स के हॉर्न की आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स होता है, तो वो क्या होता है, हमें परेशान करता है, हमें हेडक होता है, सर दर्द होने लगता है, तो ऐसी साउंड्स क्या होती हैं, अनप्लीजेंट साउंड्स, और इन्हें नॉइज भी कहा जाता है, शोर भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसी साउंड्स जो हमारे ईयर्स को, हमारे कानों को अच्छी ना लगे सुनने में, उन्हें अनप्लीजेंट साउंड्स कहा जाता है, या नॉइज भी हम उसे कह सकते हैं। नॉइज हमें डिस्टर्ब करता है, ठीक है, कभी कभी नॉइज इतना हो जाता है कि वो हेडक का कॉज भी, हेडक का कारण भी बन जाता है। फिर आता है फोर्स। फोर्स क्या है, ये देखिए प्लीजेंट साउंड है ये सिंगिंग, और ये नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, अनप्लीजेंट साउंड होती है, व्हीकल्स की जो हॉर्न की आवाज होती है। नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स क्या है, किसी भी चीज को पुल करने में या पुश करने में जो भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अ पुल और अ पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जैसे इसको ड्रॉअर को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, और पुश कर रहे हैं, इसको धकेल रहे हैं, तो ये क्या है, फोर्स का यूज कर रहे हैं। तो पुल और पुश करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी हम वर्क लगाते हैं, जो भी वर्क हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स, वो फोर्स कहलाता है। अब फोर्स के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं फोर्स के इफेक्ट से, फोर्स लगा के हम क्या क्या हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो आप उसको मूव कर सकते हैं, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो आप उसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं, या उसको मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं।
किसी ऑब्जेक्ट की वो शेप या शेप चेंज कर सकता है। ठीक है भैया, आप ये एक फ्रूट है, उसको आपने प्रेस किया, फोर्स लगाया, तो उसकी आपने शेप चेंज कर दी। या बलून का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, रबर बैंड का एग्जांपल ले सकते हैं। डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे बॉल है आपकी तरफ आ रही थी और आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, ये आपके इफेक्ट ऑफ फोर्सेस थे।